दूर कहीं गांव में एक गाय और उसका एक बछड़ा रहा करता था, जो इस पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेले थे। उनका कोई भी ना था। वो गाय और बछड़ा हर गांव, हर गली में खाने की तलाश के लिए जाते थे। वो गाय और उसका बछड़ा आपस में बहुत ही खुश थे। वो एक दूसरे के दोस्त भी थे। जहाँ गाय और उसके बछड़े को चारा या थोड़ा सा घास मिलता था, ये वही खाकर अपना पेट भर लेती और पानी पीकर दोनों माँ और बेटे खुश हो जाते। ऐसे ही खुशी ज़िंदगी बसर हो रही थी इनकी। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोगों को खुशी ज़्यादा दिन तक रास नहीं आती। और देखते ही देखते गाय और उसके बछड़े ने अपना रास्ता भटक लिया। गाय दूसरी तरफ जा पहुंची और उसका बछड़ा दूसरी तरफ निकल गया। तो प्यारे बच्चों, फिर कहानी रुख बदलती है। ये जंगल के राजा शेर खान साहब हैं। शेर खान साहब के बारे में ये बात मशहूर थी कि वो बहुत ही ज़्यादा जालिम थे और बहुत ही ज़्यादा हर डर्म भी थे अपनी बात मनवाने वाले। शेर खान से जंगल के सारे जानवर परेशान थे और वो सब एक दूसरे से शेर खान की बुराइयां करते थे। हर एक की ज़बान पर शेर खान के ख़िलाफ़ ही बात होती, क्योंकि शेर खान ने सारे जंगल के जानवरों को कोई ना कोई तकलीफ़ पहुंचाई होती है। हर जानवर, हर जंगल का जानवर उसकी वजह से किसी न किसी बात पर परेशान रहा करता था। शेर खान हमेशा किसी दरख्त के साए में या तो फिर पहाड़ के करीब या किसी गुफा में आराम ही फरमा रहा होता था, और नहीं तो जंगल के जानवरों को तकलीफ पहुंचाने की तरकीब सोच रहा होता। एक दिन शेर खान किसी गार के बाहर एक दरख्त के साए में आराम कर रहा था और अचानक वो गाय जंगल की तरफ आ निकली और उस गाय को देखकर शेर खान की आंख खुल गई और वो अचानक होशियार हो गया और गाय के आमने सामने होकर कहने लगा, ये ऐसे ही किसी बड़े शिकार की तलाश थी जिसको खाकर मेरा पेट भर जाए, और देखो तुम खुद चलकर मेरे पास आ गई। मैंने तो सिर्फ सोचा था और आंखें खोली तो तुम मौजूद थी मेरे पास। आज का दिन तो मेरे लिए बड़ा ही सुनहरा है। आज तो मुझे भर पेट खाना मिलेगा, आज तो मेरी मौज ही हो जाएगी। अब मैं तुम्हें मज़े से खाऊंगा। ये दुखी गाय पहले ही अपने बच्चे के लापता होने की वजह से बहुत परेशान थी और रोकर शेर से कहने लगी, शेर खान, तुम्हारी मेहरबानी होगी, तुम मुझे आज जाने दो। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मेरा बछड़ा खो गया है। मैं अपने बछड़े को ढूंढने के लिए जंगल में आई थी। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम मेरे सामने आ गई हो और मुझे भूख भी बड़े ज़ोरों की लगी है। अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें खाऊंगा। ठीक है,
हर मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं। तुम भी मेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर मेरी एक बात मान लो। मैं एक दफ़ा अपने बछड़े को ढूंढ लूं और उससे मिल लूं, फिर मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी और फिर तुम मुझे खा लेना। मेरी ये आखिरी ख्वाहिश समझकर मेरी ये बात अगर तुम मान लो तो तुम्हारा मुझ पर एहसान रहेगा। लेकिन मैं तुम्हारी बात का एतबार क्यों करूं? तुम मेरे पास वापस क्यों आओगी? अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम तो भाग जाओगी। नहीं, मैं नहीं भागूंगी, मैं लौट कर ज़रूर आऊंगी। तुम सिर्फ एक बार मुझे मेरे बच्चे को ढूंढने दो। अच्छा जाओ, लेकिन याद रहे कोई होशियारी नहीं, तुम्हें लौट कर यहीं आना है। बस शेर का इतना कहना था और गाय ने दौड़ लगाई और पूरा जंगल छान लिया अपने बच्चे की खोज में। यहाँ मौसम भी बहुत ख़राब था, बहुत बारिश और तूफान का मौसम था, लेकिन गाय ने हार ना मानी और इसी मौसम में गाय ने अपना बच्चा ढूंढ निकाला। उसने पूरे जंगल को छान लिया था और आखिरकार उसको उसका बच्चा मिल ही गया, जिसे देखकर वो बहुत खुश थी। जहाँ गाय खुश थी वहाँ उसका बच्चा भी बहुत ही खुश था कि अब मेरी माँ मिल गई है, अब हम कभी जुदा नहीं होंगे और पहले जैसे खूबसूरत ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसकी माँ तो शेर से वादा करके आई है कि सिर्फ अपने बच्चे से एक बार मिलने जाएगी। और फिर कुछ देर बाद गाय अपना वादा निभाने के लिए शेर के पास चली जाती है। लेकिन जब ये शेर गाय की ईमानदारी देखता है तो उसे गाय पर तरस आ जाता है और वो गाय को छोड़ देता है और दोनों दोस्त बन जाते हैं।